नमस्कार आदाब, वेबसाइट बिगिनर्स डॉट कॉम की ओर से मैं किशोर भरवे। और दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बिहेवियर के बारे में बात किया था। इस वीडियो में हम जो है ट्रांजेक्शन के बारे में बात करेंगे, एनिमेशन में आप क्या क्या करना है उसके बारे में मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हैं। मान लीजिए ये जो हमारी वीडियो है और इसकी लेंथ में जो पर्टिकुलर कुछ एरिया जो है जो हमें नहीं चाहिए, तो आप किस तरीके से उसे सॉल्व कर पाओगे या फिर उसे हटा पाओगे, तो वो कैसे हटाएं मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पे हम जब एनिमेशन में जाते हैं, सिलेक्ट जो एरिया आपको यहाँ पे करना है, ये आपका वीडियो है और इस एरिया को आपको सिलेक्ट कर देना है, है ना। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब हम जो है शुरुआत में आपको मैं सबसे पहले तो वीडियो दिखा देता हूँ। वीडियो में जैसे कि ये एनिमेशन का ऑप्शन है और एनिमेशन में आपको क्या क्या करना है, यहाँ पे आपको जूम इन पैनल मिलना है और सेकंड है एनिमेशन का जो एक पैनल है वो कुछ पैनल है। तो जूम इन पैनल में हम बताएंगे कि यहाँ पे क्या करना है। जैसे कि ये वीडियो है और यहाँ पे कुछ एरिया जो है हमें नहीं चाहिए, है ना, तो इसे किस तरीके से हटाया जाए। तो आप सिंपली इस एरिया को ऐसे पकड़ लें, है ना, तो ऐसा करेंगे तो आपका जो एरिया है वो पर्टिकुलर सिलेक्ट हो जाएगा। और एक मिनट, मैं इसे यहाँ से नहीं करता हूँ, मैं इसे यहाँ से करूँगा तो आपको नजर आएगा कि एक्चुअली हुआ क्या है। अब मैं इसे बैक में जाऊंगा, अब देखिए ये जो है रंगोली पूरी दिख रही है आपको, और यहाँ पे से ये जो है बिल्कुल छोटा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया है। यानी आपको जैसे पर्टिकुलर एरिया में आपको जूम करना है तो आप उस जगह पे जूम करवा सकते हैं। अब ये लास्ट तक ही जूम रहेगा, है ना। इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एनिमेशन के तौर पे आप अगर इसे बतौर यूज़ करना चाहते हैं तो जैसा ये रिस्टोर एंड काफ़ी सारे ऑप्शन है इसके अंदर में, लेकिन मैं ज़्यादातर जो है इसका यूज़ नहीं कर पाता हूँ। तो फिट टू स्केल, स्केल डाउन, ये जो है आप इसे जो वीडियोस को एक पर्टिकुलर एरिया में आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ऐसा, यानी इसके ऊपर में इफेक्ट होके बताएगा ये आपको कि किस तरीके से आपको चाहिए, है ना। ये जूम होता है, ये जूम आउट होगा, स्मार्ट फोकस होगा ये, है ना। तो इस तरीके से आप जो है स्मार्ट फोकस भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियो आप हमें देखना चाहते हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो और आने वाले वीडियो आप हमें देखना चाहते हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।